ऑफिशियली कश्मीर एंटर हो चुका हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, और मैं निकल रहा हूँ अभी पटनीटॉप से, और मेरी बाइक टेक ऑफ के लिए रेडी है अभी यहाँ से। और ये भाई साहब ने मेरी बहुत मदद की है, तिलक जी ने। तिलक जी हाथ दिखाइए। तिलक जी यहाँ के करता धरता है होटल के। और आज मुझको पहलगाम जाना है, 159 किलोमीटर से है यहाँ से। तो रोड पर बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊँगा। और मेरा ब्लॉग आगे कंटिन्यू कीजिए, कश्मीर लद्दाख सीरीज़ कर रहा हूँ मैं इस टाइम, तो ज़रूर आगे देखते रहिए, मज़ा आएगा आपको राइड का। गणपति बप्पा मोरिया। चलो मैं निकल रहा हूँ पटनी टॉप से पहलगाम की तरफ, मिलते हैं। थैंक यू। पेट्रोल पम्प कितनी दूर है अभी इधर से? 13 किलोमीटर। चले, थैंक यू, मिलते हैं। ओ, पटनी टॉप से मैं निकल चुका हूँ ऑफ रोडिंग वाले रोड पर से। यहाँ से मुझको बहुत बाइक संभाल के निकालनी पड़ेगी, यहाँ से खतरनाक वाला ऑफ रोड है, उसे चढ़ाने एक बार चढ़ जाएगी तो वजन बहुत है। चढ़ जाएगा मेरा काले हाथी, चढ़ जाए भाई। चलिए निकल गया अभी तो, बस यही स्ट्रेच खराब था। तो पटनी टॉप टाटा, फिर मिलेंगे चलते चलते हंसते हंसते। मैं निकला हूँ, अभी बजे है बराबर 7:30 बजे निकलने का टारगेट था, लेकिन सामान बांधने में बहुत टाइम गया मेरा। देखिए क्या खूबसूरत मौसम है। बाय बाय पटनी टॉप, बाय बाय पहलगाम, हियर आई कम। कितना खूबसूरत रास्ता है। मैं वो भी जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, और अच्छा है कि आज बारिश बिल्कुल भी नहीं है। रात से ही बारिश बंद हो चुकी है पटनी टॉप में। पटनी टॉप में भी पूरी रात बारिश नहीं हुई। बहुत प्यारा मौसम है अभी, और आज होपफुली कोई तकलीफ के बगैर मैं पहुंच जाऊंगा पहलगाम। बाइक चलाने का मज़ा भी आ रहा है, अभी रोड ड्राई हो चुका है, धूप निकल गई है। देखिए यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, रोड बंद हो चुका था यहाँ का, और थोड़े बहुत बीआर वाले ने पत्थर हटा दिए हैं। इधर बहुत संभाल के बाइक निकालनी पड़ेगी, कीचड़ में बाइक बहुत स्लिप होती है। यही तो एडवेंचर है भाइयों लद्दाख आने का। हाँ, इधर देखिए यहाँ पर ही रोड बंद हुई थी, शायद मेजर लैंडस्लाइड हुआ था, 2 दिन लग गए यहाँ पर, इसके लिए मैं पटनी टॉप में अटक गया था। अभी फाइनली रोड खुल चुकी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे क्या बनाया गया है भाई, जबरदस्त। रोड थोड़ा सा खराब है, लेकिन बाकी 4 लेन है, कुछ ट्रैफिक भी नहीं। अभी देखिए सब बड़े बड़े लैंडस्लाइड हुए, इसी की वजह से रोड बंद था। देखिए इतना बड़ा पहाड़ अगर नीचे आ जाता है तो रोड कैसे चालू रहेगा बताइए।
सब अमरनाथ यात्री है, पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों की। ये है रामबन, बहुत सारी पुलिस और आर्मी है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। सारी गाड़ियाँ शायद यहाँ से यात्री सब निकलते हैं। बाटल शायद नज़दीक होगा यहाँ से, बालताल सॉरी। ब्यूटीफुल नदी चल रही है बाजू में रोड के, देखिए। हाँ 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 हाँ, क्या सीन है बॉस, क्या सीन है। वाह, पानी पूरा उफान पे है, नदी पूरे उफान पे है। 3 दिन की बारिश ऐसी हुई है कि असम। नदी के बाजू में बाइक चल रही है अपनी। पानी देखिए, एक बड़ा लैंड यहाँ पर भी हुआ है, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। सब बीआर वालों ने 2 दिन में क्लियर कर दिया, हर एक का काम नहीं है। इन लोग की स्पेशलिटी है रोड्स मेंटेन करने की, जितने भी बॉर्डर के रोड्स है लोग रियली ग्रेट है। सर जी श्रीनगर, थैंक यू। हाँ, इस रोड पे बहुत खतरनाक मट्टी उड़ रही है, ट्रकों की भी लाइन लगी हुई है। रोड एक्चुअली खराब है, बहुत सी जगह काम चल रहा है। यहाँ पर रोड अच्छी है, उधर अच्छी है, बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा रोड खराब हो गई है। सब टनल के काम चल रहे, एक बार हो जाएंगे तो मस्त हो जाएगा एकदम जम्मू श्रीनगर हाईवे। बहुत जबरदस्त ट्रैफिक वाला रोड है और लेफ्ट में व्यू भी उतना ही अच्छा है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सामने से कंटिन्यूस ट्रैफिक आ रहा है, ट्रक भी बहुत सारे हैं। लेकिन लोकेशन बहुत जबरदस्त है, मैं देखिए लेफ्ट साइड पे क्या सुपर नजारा है। नीचे पूरी नदी बह रही है, लेकिन यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ मैं, आर्मी वाले रुकने नहीं देते यहाँ पर किसी को भी फोटो वगैरह निकालने के लिए। इसके लिए बाइक चलाते ही जा रहा हूँ बस। क्या मस्त वाटरफॉल है देखो, वाह वाह वाह, पहले वाटरफॉल के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं, ये पानी में नहाना चाहिए। मुंबई होता तो अभी तक तो इधर भीड़ हो गई होती थी नहाने के लिए, लोनावला में वगैरह ऐसा वाटरफॉल होता था तो लोग अभी तक नहाने चालू कर देते। अब टनल बनाया है लैंडस्लाइड से बचने के लिए, पूरे लोखंड के पट्टे लगाए हुए हैं। ऐसा टनल पहली बार ही देखा है मैंने लाइफ में मेरे, दोनों साइड पे लोखंड के पट्टे हैं। देखिए पत्थर के नहीं बनाया है टनल, ये शायद ये तुरंत बनाया गया है, लैंडस्लाइड हुआ होगा इसके लिए। ट्रकों की लाइन लगी है, धूल मट्टी से भरा हुआ है, नज़ारे भी उतने अच्छे हैं। देखिए कितना धुआं उड़ा के आ रहा है, देखिए ट्रक, ये आर्मी का ट्रक है। देखिए पूरी मट्टी, मट्टी ही मट्टी, मट्टी ही मट्टी, भाई भाई। इतनी तो धुंध भी नहीं थी पटनी टॉप में, जितना यहाँ पे मट्टी है। देखो माय गॉड, इसमें आगे का कुछ दिख नहीं रहा है मट्टी की वजह से। देखिए कितना मट्टी है, बाप रे बाप। बहुत ज्यादा पोल्यूशन है भैया, इतने हजारों ट्रक पार करने के बाद, ओवरटेक करने के बाद, क्या रास्ता था, कितने लैंडस्लाइड हुए थे, कितने पत्थर गिरे थे। अभी फाइनली क्लियर रोड मिल गया है। श्रीनगर का पहला बोर्ड दिख चुका है और अभी 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो चुका है। वाह, मैं ऑफिशियली कश्मीर एंटर हो चुका हूँ। सुपर। जगह जगह पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मेरे को भी शायद रुकाएंगे आगे जाके। चलो रुका दिया अभी तो क्या, अपने सब पेपर्स है, कोई टेंशन नहीं है भाई, सब लेके ही चलता हूँ मैं। ओरिजिनल आरसी इंश्योरेंस, हम लोग तो टूरिस्ट लोग हैं भैया। ये जवाहर टनल है, जवाहर टनल चालू हो चुका है भाइयों। ये टनल मुझको बहुत साल से देखना था, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था। सुपर जगह है, देखिए क्या टनल बनाया है, इतने हाइट पर इन्होंने ऐसा टनल बनाया है, पूरी लाइटिंग की हुई है,
बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। जबरदस्त, कितना बड़ा है, मैं चलाते ही जा रहा हूँ, चलाते ही जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। फाइनली टनल खत्म हो चुका है, देख रहे हैं वो है नवयुग काजीगुंड टनल। मुझको लग रहा था जवाहर टनल है, लेकिन ये जवाहर टनल नहीं है, और ये 8.5 किलोमीटर है। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर बाइक चलाने का, बहुत मस्त बनाया है बीआर वालों ने, मज़ा आ गया। और इसकी वजह से कश्मीर एकदम जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग अंदर, एकदम प्रॉपर लाइटिंग वगैरह सब किए, साइन बोर्ड्स दिए हुए, फिफॉल टेकिंग अलाउड नहीं है, मज़ा आ गया, सुपर। आर्मी ने सब गाड़ियाँ रुकाई है, कुछ कॉन्वॉय जा रहा है इन लोगों का, उसके लिए ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है कश्मीर में, और मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम टू द कश्मीर वैली। यहाँ पे घंटे से रुका हूँ मैं, कॉन्वॉय ने रुकाया कर रखा है आर्मी के। बाइक की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है बाइक पे। देखिए आपको हालत दिखाता हूँ बाइक की नज़दीक से, पूरा कीचड़ भर गया है, हालत ख़राब है मेरे डोमिनर की, अभी जाके वॉश करवानी पड़ेगी। और कुछ नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं मेरे? हाँ बराबर, यही है यही है, हाँ आएगा आएगा ज़रूर। क्या नाम है बताइए आपके? पंकज जी, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू एवरीवन। ये लोग सब प्रयागराज से है, थैंक यू थैंक यू, जरूर 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 100% ये डालूंगा ना उसके अंदर मैं। कुछ भाई लोग मिले प्रयागराज से अभी, सब्सक्राइबर बहुत देर बात कर रहे थे, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो इन दो भाइयों से और दोस्ती हुई है, और इन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है चैनल को। भाई साहब नाम बताइए आपका? मेरा नाम शाहरुख है। इधर बैठे बैठे मेरे को लगता है कॉन्वॉय में मेरे और इधर भी पीछे उत्तराखंड के दोस्त लोग बन गए, वो लोग भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहे हो। नाइस मीटिंग यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस। आपका नाम क्या बताया? शाहरुख, शाहरुख खान। आप जी? यासिर अरफात। नाइस मीटिंग यू दोनों, और अच्छा लगा दोनों से मिल के। मेरे नए सब्सक्राइबर है, मेरा चैनल देखते रहिए आगे, थैंक यू। तो कॉन्वॉय फाइनली जा चुका है, और गाड़ियाँ पौना घंटा टाइम पास करने के बाद निकल पड़ी है, और लंबी लाइन लग गई है गाड़ियों की, देखिए सब भगा रहे धनाधन धनाधन। मैं भी बैठ ही जाता हूँ भैया, इस ट्रक के पीछे निकल जाता हूँ। चलिए सर, थैंक यू, बढ़िया काम कर रहे हो सर आप लोग, जय हिंद। पहलगाम है यहाँ से 66 किलोमीटर, श्रीनगर 72, ले है 500 किलोमीटर, 495, काजीगुंड 2। पहलगाम जाना है, 66 किलोमीटर है अभी यहाँ से, तो चलिए पहलगाम में मिलते हैं। अभी मैं अभी हूँ आनंद नाग में, और एक जगह पे ब्रेकफास्ट करने को रुका हूँ, छोले पूरी, बहुत भूख लगी थी, 11:30 बज गए हैं, काफ़ी भूख लगी थी, एक होटल ढूंढ ढूंढ के मिला अच्छा वाला, नीट एंड क्लीन, अभी बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करके बहुत छोले पूरी देख के तो अच्छी लग रही है दिखने में, देखते भी टेस्ट कैसी है वो, तो सब में बने रहे भाई, पहलगाम की नज़र है आपको दिखाने बाकी है। सब अमरनाथ के लिए, यहाँ से रोड है जाने के लिए बालटाल का, और भारी पुलिस बंदोबस्त है, अभी थोड़ी देर में रोड बंद कर देंगे ये लोग, अच्छा हो गया मैं टाइम पे पहुंच गया, जब तक यात्रा की सभी गाड़ियां जाती नहीं तब तक ये रोड बंद कर देंगे ये लोग। हर एक एक 100 मीटर में आर्मी वाले घूम रहे हैं, आर्मी वाले पुलिस वाले बिल्कुल रुकने नहीं दे रहे, देखिए। चलिए फिलहाल मैं तो मंजिल की तरफ निकल पड़ा हूँ, अभी पहलगाम की तरफ, पहलगाम वेलकम कांदी राइडर। खूबसूरत पहलगाम में आपका स्वागत है, पहलगाम के पहाड़ यहाँ से नज़र आ रहे हैं दूर से, ब्यूटी देखिए कश्मीर की, ग्रीनरी है दोनों तरफ, पहाड़ ही पहाड़ है। और फाइनली मैं पहले पड़ाव पे पार हो चुका हूँ, मतलब पहुँचने वाला हूँ अभी,
पहलगाम का पहला बोर्ड दिख चुका है, देखिए वेलकम टू पहलगाम। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका स्वागत करता है। पहलगाम यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर है। क्या खूबसूरती है कश्मीर की, ऐसे होटल में स्टे मिलना चाहिए। देखिए नदी किनारे पे क्या ब्यूटीफुल होटल है, होटल या बंगला है किसी का शायद, मस्त है एकदम चकास। सामने पूरे हरे भरे पहाड़ है, बादल छाए हुए है। पहलगाम में मेरी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे एक पर्ची कटेगी। तो मैं अभी होटल पहलगाम स्टार की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। मेरे होटल का बोर्ड दिख रहा है, होटल पहलगाम स्टार, और यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ अभी रहने के लिए। ये है मेरा होटल पहलगाम स्टार, इसका लोकेशन देखिए बहुत ही बढ़िया है, पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं पहलगाम में। मेरे होटल का नाम है पहलगाम स्टार, बहुत ही अच्छा बढ़िया होटल है और लोकेशन बहुत बढ़िया है, नया होटल है। मैंने booking.com में से बुक किया था, लेकिन होटल के बाहर व्यू और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। कैसा लगा लोकेशन, बढ़िया है ना, मज़ा आ रहा है ना लोकेशन देख के।
और लोकेशन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हो कांदी राइडर और ये चल रहा है मेरा कश्मीर लद्दाख का सीरीज़। इसके बाद मुझको जाना है गुलमर्ग और बाद में सोनमर्ग, सब करते करते बाद में मैं लद्दाख जाने वाला हूँ।